इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की उस टीम को देखने जा रहे हैं जिस टीम से मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार हमें जिताएगी ही जिताएगी, बिकॉज मैं ये टीम बहुत सोच समझ के बनाया हूँ। मैं आपको इसके प्रीव्यू कराता हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स, मैं आपको इस टीम को दिखाने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर आप खुद पे डिपेंड करते हो या फिर किसी ऐसे पे आँख बंद करके, तो आप ना किया करो। और अगर खुद पे डिपेंड हो तो आप, मैं आपसे एक बात कहूँगा, कभी पॉइंट्स को देख के ना जाया करो। जैसे लाइम प्लंकेट की 123 पॉइंट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, सो ये गलत है। कोई कब कैसे चल जाए इसे कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सोच समझ के इस टीम को बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कि जॉस बटलर और सरफराज अहमद में मैंने क्यों जॉस बटलर को चुना, क्योंकि सरफराज अहमद जो है वो कभी कभार चलता है, अगर कभी कभार ना भी चले तो वो कुछ पॉइंट्स ही देता है। बट जॉस बटलर जो है चलता है तो अच्छी पारी, नहीं भी चला तो कुछ अच्छे से पॉइंट्स दे ही जाता है। अब इसके आगे बैट्समैन में चलते हैं, तो यहाँ जॉय रूट का लिया है, इयन मॉर्गन और ए हिल्स। मैंने तीन बैट्समैन लिए हैं इंग्लैंड के, और दो लिए हैं अजहर अली और फाकर जमन। इसमें से अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप बाबर अजम को ले सकते हो, वो भी अजहर अली की जगह, क्योंकि अजहर अली और बाबर अजम दोनों लगभग ठीक ठाक ही खेलते हैं। फाकर जमन अभी इस पारी में नए हैं, बिकॉज पहले नहीं खेले थे, बट दो मैच अभी खेल चुके हैं। हो भी सकता है मे बी कि इनमें से कुछ प्लेयर ना खेले, तो आप लोग जब मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा मैच के 1 घंटा पहले, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। तो मैंने बेन स्टॉक को लिया है क्योंकि बेन स्टॉक ऑलराउंडर में इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी मोहम्मद हाफिज़, क्योंकि अगर मैंने इंग्लैंड की एक ले लिया ऑलराउंडर, तो मुझे दूसरी पाकिस्तान की भी लेनी होगी, बिकॉज पाकिस्तान का भी कोई ऐसा ऑलराउंडर होगा ही जो चलेगा ही चलेगा। तो मोहम्मद हाफिज़ में मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप चेंज करना चाहो इसमें से किसी को, तो इमाद वासिम पे कर सकते हो, बट हाफिज़ बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पाकिस्तान के दो बॉलर लिए हैं और एक इंग्लैंड के। तो हसन अली और जुनैद खान बहुत बेस्ट रहेंगे। दूसरा मैंने तीसरा इंग्लैंड का मार्कवुड लिया, बिकॉज मार्कवुड बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर आप फ्रेंड्स कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप रसीद को ले सकते हो, बट मैं रसीद नहीं, मैं मार्कवुड के साथ ही जाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बता दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अब बात रही कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैंने इस बार जॉय रूट पर भरोसा दिलाया है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अगर आप मेरी चॉइस या फिर अगर आप कुछ ऐसे प्लेयर को जाना चाहते हो, अगर दो तीन टीम के साथ आप खेलते हो, तो इयन मॉर्गन भी ठीक रहेंगे, बिकॉज ये ऐसे प्लेयर हैं, रन आउट हुए तो ठीक है, वरना कभी कभार कैच आउट भी हो जाते हैं। बट ये जो प्लेयर हैं ये बहुत अच्छे पारी खेलते हैं, और बेन स्टोक हमेशा अपने बॉलिंग में दो तीन या फिर एक दो विकेट निकालता ही निकालता है। और बात रही इसके बैटिंग की, तो बैटिंग में ये करीब 50-60 रन भी मार देता है, साथ में बॉलिंग। इस हिसाब से वाइस कैप्टन मैंने इसे लिया है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो हाफिज़ के साथ जा सकते हो, बट अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, मतलब कि ग्रैंड लीग इस टाइप की, तो मैं इसके लिए ये टीम नहीं है फ्रेंड्स। ये सब सिर्फ 10 मेंबर या फिर 15 मेंबर के अंडर के लिए ही। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू ग्रुप स्टार्ट किया है, वो ग्रुप में आप लोग आके जुड़ सकते हो। उस ग्रुप में आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री में प्लेइंग 11 पता चल जाएगी, और आपको बार बार यूट्यूब पर सर्च भी नहीं करना होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को टीम के लिए भी नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैं ही आपको उस समय टीम दे दिया करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसे प्लेयर होती है जो ग्रैंड लीग लायक होती है, जैसे कि 60% चांसेस होती है खेलेगा, 40% नहीं, ऐसे में लोग उसे नहीं लेते हैं। बट ऐसे में मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर को देखा है और उसे लिया है, और बहुत अच्छी खासी पैसे उसे अर्निंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप में, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। बट एक टर्म कंडीशन है कि आप
उस ग्रुप में यूँ ही, मतलब कि मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए जो उसमें टाइम वेस्टिंग करे, इसीलिए फ्रेंड्स वो ग्रुप पेड है। सो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना।